प्रिय विद्यार्थियों आज हम कक्षा छह की हिंदी भाषा भारती के पाठ सोलह श्रम की महिमा का अध्ययन करेंगे प्रश्न प्रश्नभन है सही विकल्प चुनकर लिखिए इसमें का नंबर का है धरती में बीज बोता है लोहार किसान जमींदार सफाईकर्मी तो इसका उत्तर होगा किसान कहा नंबर का है सूत काट कर कपड़ा बुनता है बड़ई कुमार जुलाहा व्यापारी तो इसका उत्तर होगा जुलाहा नंबर का है बापूजी से मिलने पहुँचे शिक्षक वकील डॉक्टर मुखिया तो इसका उत्तर होगा वकील घा नंबर का है बापूजी पूजा के समान मानते थे बासण देना श्रम करना लेख लिखना घूमना तो इसका उत्तर होगा श्रम करना प्रश्न दो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इसमें का नंबर का है किसान धरती में गाड़ता है तो इसमें आएगा बीज किसान धरती में बीज गाड़ता है घा नंबर का है गांधी जी, जी अनाज से चुनते थे तो इसमें आएगा कंकड़ गांधी जी अनाज से कंकड़ चुनते थे गा नंबर का है गांधी जी को काम से करना भाता था तो इसमें आएगा सफाई गांधी जी को काम सफाई से करना भाता था गा नंबर का है गांधी जी कपास के जैसा ही धुन धुनते थे गांधी जी कपास के जैसा ही जुलाहों को एक गलत है इसमें थोड़ा ना प्रश्न तीन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का नंबर का है इसलिए यह बड़ा और वह छोटा पक्ति से कवि का क्या आशा है तो इसका उत्तर होगा कवि का इस पक्ति से आशा यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने से छोटा या बड़ा नहीं होता है खा नंबर का है आश्रम के कार गांधी जी स्वयं क्यों करते थे तो इसका उत्तर होगा गांधी जी आश्रम के कार स्वयं ही करते थे क्योंकि उनके लिए श्रम करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान था गांधी जी की यही विचारधारा थी यही उनका दर्शन था नंबर का था ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कवि का संकेत क्या है तो इसका उत्तर होगा ऐसे थे गांधी जी संबोधन में कभी का संकेत इस बात की ओर है कि श्रम को ही गांधी ईश्वर मानते थे कर्म करना ईश्वर की पूजा करना है वे आश्रम के हर कार्य को चाहे वह सूत काटना हो अनाज से कंकड़ अलग करना हो कपास धुनना हो चक्की पीसना हो कपड़ा बुनना हो स्वयं किया करते थे घा नंबर का है गांधी जी ने सेवा के काम को ईश्वरी कार्य क्यों माना है तो इसका उत्तर होगा काम करने के पीछे जो भावना है वह सेवा की है सेवा किसी भी जीव की क्यों ना हो वह तो सेवा का कार है सेवा में समर्पण त्याग और निष्ठा का भाव होता है इसलिए सेवा का कार ईश्वरीय माना गया है दा नंबर का है इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है तो इसका उत्तर होगा इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य अपने हाथ से करना चाहिए काम करने से कोई भी व्यक्ति नीचा ऊंचा अथवा बड़ा या छोटा नहीं होता है काम करने के पीछे सेवा की भावना होती है सेवा का कार्य ही ईश्वर की पूजा है चार नंबर का है गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व क्यों देते थे तो इसका उत्तर हो गए छोटे से भी छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है इस कार्य के करने के पीछे सेवा की भावना होती है उस सेवा में ईश्वर की सेवा छिपी है इसलिए गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व देते थे प्रत्येक छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है काम करने की भावना पुष्ट होती है भाषा की बात प्रश्न दो निम्नलिखित शब्दों शब्दों की बर्तनी शुद्ध कीजिए पुस्तक का होगा पुस्तक जूलाहों का होगा जुलाहों ईश्वर का होगा ईश्वर उत्साह का होगा उत्साह प्रश्न तीन है इस, आ, आ स्तंभ में तद्भव और स्तंभ में उनके तत्सम दिए गए हैं उन्हें संबंधित शब्द से जोड़िए दूध का होगा दुग्ध घर का होगा ग्रह सूरज का होगा सूर्य मुह का होगा मुख दांत का होगा दंत आग का होगा अग्नि प्रश्न चार है स्तंभ काम में दिए गए मुहावरों को स्तंभ खा के गलत क्रम में रखे उनके अर्थ से सही क्रम में मिलाइए चक्की पीसना का होगा कड़ी मेहनत करना कागज काले करने का होगा व्यर्थ प्रयास करना अकल ठिकाने आना का होगा बात समझ आना हाथ बढ़ाना कहोगा मदद के लिए आगे आना प्रश्न पाँच हैं दी गई वर्ग पहेली में गांधी जी के जीवन से जुड़ी पांच वस्तुएं हैं उन्हें छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए इसमें आएगा चश्मा लाठी खादी की धोती घड़ी और घड़ी के बाद क्या आएगा चरखा प्रश्न छः है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए व्यापारी कपड़ा आदमी चक्की तो व्यापारी का होगा व्यापारी देश विदेश को माल भेजते हैं और मंगाते हैं कपड़ा का होगा जुलाहे कपड़ा बुनते हैं आदमी का होगा आदमी अपना काम स्वयं करता है चक्की का होगा चक्की से अनाज पीसा जाता है